जरा सोच कर देखो, आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हो और वो आपको मना ना कर सके तो आपको कितना अच्छा लगेगा ना। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, आज के टाइम में तो लोग अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते तो हमारी क्यों सुनेंगे। हाउ इट्स पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल हो सकता है आपकी चालाकी से। अगर आप चालाक हो तो आपके लिए किसी से कोई बात मनवाना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग आपकी उंगलियों पर नाचेंगे अगर आप एक चालाक इंसान बन जाते हो तो। चालाक इंसान होने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कोई हमें आसानी से मूर्ख नहीं बना सकता, हम जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। आपको ये सब सुनने में भले ही बड़ी बड़ी बातें लग रही, लेकिन यकीन मानो ये सिर्फ बातें नहीं हकीकत है। आज मैं आपके साथ 5 ऐसी बातें डिस्कस करने वाला हूँ जो हर इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है अगर वो चालाकी सीखना चाहता है तो, चालाक बनना चाहता है तो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको कभी ऐसा लगा है कि काश मैं भी चालाक होता तो मेरे साथ बुरा नहीं होता, अगर आपको ऐसा फील हुआ है तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना अगली बार जब आपके साथ कुछ बुरा होगा तो आपको यही अफसोस होगा, काश मैंने ये वीडियो कंप्लीट देख ली होती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमारे हेटर्स की जल जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट, लोगों को सही रास्ता बताएं। अगर आप चालाक हैं या लोग आपको इंटेलिजेंट समझते हैं तो जाहिर है वो लोग आपसे कुछ ना कुछ सवाल जरूर पूछते होंगे। ऐसे में आपको लोगों को हमेशा सही रास्ता दिखाना चाहिए, इससे लोगों के समय और पैसे दोनों की बचत होगी। इसके साथ ही लोगों का आपके ऊपर विश्वास भी बढ़ता जाएगा और लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे सवाल भी होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, तो ऐसे में गलत रास्ता दिखाने से बेहतर है कि हम उन्हें ये कह दें कि इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, आप किसी और से एक बार पता कर लें। यह सब आपके लिए बहुत बेहतर साबित होंगे आपकी इमेज उस इंसान की नज़रों में अच्छी बनाने के लिए। मान लो कोई आपसे ये पूछता है, भाई मेरे पास कुछ पैसा है और मैं इसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे गाइड कर सकते हो मुझे पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ऐसे में अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाया है तभी आपको उसे कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करने की सलाह देनी चाहिए, अदरवाइज आपको उसे गलत एडवाइस नहीं देनी चाहिए कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो वहाँ इन्वेस्ट कर दो। आपको डायरेक्ट बोल देना चाहिए, मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, आप किसी और से सलाह ले सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को उल्टी सीधी एडवाइस इसलिए दे देते हैं ताकि लोगों को ये ना लगे उसे कुछ नहीं पता, नहीं तो ऐसी गलती आप ना करें, लोग आपका कहना तभी मानेंगे जब आप उनको सही एडवाइस दोगे। दूसरा पॉइंट, हर कोई आप पर विश्वास करे, आपकी इमेज ऐसी होनी चाहिए, लोग आपकी उंगलियों पर नाचेंगे अगर आप उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो जाते हो तो, और ऐसा तभी होगा जब समाज में आपकी इमेज अच्छी होगी। अब अच्छी इमेज के लिए आपको अपनी कुछ आदतों को बदलना होगा अगर आप में ये हैबिट्स हैं तो। सबसे पहला तो आपको झूठ का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि झूठ बोलने से लोगों का भरोसा हम पर से उठने लगता है और फिर अगर हम सच भी बोलते हैं तो लोगों को यही लगेगा हम झूठ ही बोल रहे हैं। अगर आप भी झूठ का इस्तेमाल करते हो तो अपनी ये हैबिट जरूर चेंज कर लें, नहीं तो फ्यूचर में आपको बहुत मुसीबत हो सकती है। दूसरा है, अगर आप अपनी बात के पक्के नहीं हो तो भी लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। आप खुद ही सोच कर देखो, जो इंसान अपनी ही कही हुई बात से पलट जाए उस इंसान पर कौन भरोसा करेगा, क्या आप करेंगे, नहीं करोगे ना। तो फिर अगर आप भी अपनी ही कही हुई बात से पलट जाते हो तो आप लोगों का भरोसा कैसे जीत सकते हो। आप जो भी कहें उसे पूरा ज़रूर करें। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने किसी से शाम को 4 बजे किसी जगह पर मिलने का वादा किया है और अचानक से बारिश होने लगती है, तो ऐसे में आपको उस बारिश पर नहीं बल्कि अपनी कही हुई बात पर ध्यान देना चाहिए कि मैंने किसी से 4 बजे मिलने का वादा किया है और मुझे वहाँ हर हाल में टाइम से पहुँचना है। इसलिए मेरे दोस्त, आपकी इमेज ऐसी होनी चाहिए ताकि हर कोई आप पर विश्वास कर सके। और हमें कमेंट में बताइए आप सबसे ज़्यादा किस इंसान पर भरोसा करते हो। तीसरा पॉइंट, किसी से भी काम लेना सीखें। हम सभी के साथ ऐसा होता है, हम लोग दूसरों के तो बहुत काम आते हैं लेकिन हम अपने काम के लिए किसी को याद नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं किसी को अपने मतलब के लिए परेशान क्यों करें। दोस्त, अगर सामने वाला इंसान आपको अपने मतलब के लिए यूज़ करता है, आपका वक्त बर्बाद करता है, आपका पैसा बर्बाद करता है, तो आप भी अपने काम के लिए उसकी हेल्प ज़रूर लें। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन आपका अपना है कौन नहीं।
किसी से अपना काम निकालने के लिए आपको दो टेक्निक्स फॉलो करनी होंगी। सबसे पहली टेक्निक है सामने वाले को ग्रेटफुल फील करवाना। एक इंसान आपके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहेगा अगर आप उसे वो सब फील करवा सको जो वो फील करना चाहता है। एग्जांपल के लिए, अगर कोई खुद को अमीर इंसान फील करना चाहता है तो आप उसे अमीर फील करवाओ और चार लोगों के बीच में उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कहो। क्या आप सभी को पता है ये 500,000 तो सिर्फ भिखारियों को ही दान कर देते हैं, तो क्या हम सभी को एक अच्छी सी पार्टी नहीं देंगे? ये लाइंस भले ही आपको सिंपल लग रही हो, लेकिन वो इन बातों को अपने मान सम्मान के साथ जोड़ लेगा और आप जो कहोगे वो वही करेगा। दूसरी टेक्निक है सामने वाले को सबसे लो फील करवाओ। अगर आप किसी इंसान से ये कहते हो, भाई तेरे बस की बात नहीं है हम सभी को ट्रीट देने की, तो 98% चांस है वो आपको ट्रीट ज़रूर देगा, क्योंकि आपकी ये बात उसके ईगो को हर्ट कर गई। और इंसान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, पर अपने ईगो की बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चौथा पॉइंट, एक सफल और कामयाब इंसान बनो। जैसा कि हमारे इस चैनल का मोटो है कि हर इंसान को एक सफल और कामयाब इंसान होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी सभी प्रॉब्लम का हल कामयाबी है। अगर आप एक सफल इंसान हो तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। ऐसे में लोग आपके इशारों पर चलेंगे, क्योंकि एक इंसान की वैल्यू भले ही ना हो लेकिन उसकी हैसियत की बहुत वैल्यू होती है। आज के टाइम में आप चालाक तभी हो सकते हो जब आप सफल और कामयाब बनोगे। मैंने देखा है लोग खुद को सफल बनाने के लिए कोशिश ही नहीं करते, वो बस इतनी मेहनत करते हैं जितने में उन्हें दो वक्त की रोटी मिल जाए बस, और इसी वजह से वो लाइफ में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर पाते। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, अगर आप सफल नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं हो। इसलिए सबसे पहले खुद को सफल बनाने के बारे में सोचो, बाकी आपकी सारी परेशानियाँ अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। पांचवा पॉइंट, साम दाम भेद। ओनली इन तीन चीज़ों का यूज़ करो अपना काम पूरा करने के लिए। चाहे आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हो या लोगों के दिलों पर राज करना चाहते हो, आपको ओनली इन्हीं तीन रूल्स पर फोकस करना चाहिए, आपका हर अधूरा काम पूरा होगा। साम यानी समझाना। अब समझाने की भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे एक तो आप किसी को सिंपली समझा सकते हो, दूसरा आप किसी को उसका प्रॉफिट बताकर या उसका लॉस बताकर आप समझा सकते हो। कहने का मतलब है आपका तरीका चाहे जो हो बस आपका फ़ायदा होना चाहिए। दाम, कभी कभी कुछ कामों के लिए दाम की ज़रूरत होती है। मान लो आपका कोई ऐसा काम है जिससे आपको बहुत प्रॉफिट हो सकता है, तो ऐसे में आपको उस काम को पूरा करने के लिए थोड़े बहुत पैसे खर्च करने पड़े तो आपको वहाँ पैसे खर्च ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि थोड़े से पैसे खर्च करके कोई बड़ा प्रॉफिट आपको होता है तो बहुत अच्छी बात है। भेद, कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जो ना समझाने से होते हैं और ना ही दाम देने से होते हैं। ऐसे में आपको भेद का यानी उस इंसान की बातों का फ़ायदा लेना चाहिए जिन बातों को वो याद भी नहीं करना चाहता। आप समझ ही रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक चालाक इंसान इन तीन नियमों से ही अपने सारे काम पूरे कर लेता है। जो लोग इस वीडियो के अंत तक आए हैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, एंड उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित रही हो। इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और भोलापन दूर करना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।